हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साईटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग, ये एचपी का लैपटॉप है, इसको मैंने बाय किया था करीब आज के 6-7 साल पहले, और अभी तो मैं गेमिंग लैपटॉप यूज़ करता हूं, लेकिन इसको पीयूस यूज़ करता है। और इसके अंदर जो है i3 4th generation के साथ में 2GB के साथ में ही आया था, तो एक 2GB का स्टिक मैंने और इसके अंदर लगा दिया था, तो 4GB हो गया था। बाकी इसके अंदर 1TB हार्ड ड्राइव लगी हुई है, और ये थोड़ा थका थका सा चलता है क्योंकि ये पुराना हो गया है। तो इसको स्पीड अप करने के लिए, थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, इसके अंदर हम लोग SSD लगाने वाले हैं आज, और वो मैं मंगाया हूँ। आप ये देख सकते हैं HP का, चूँकि HP का लैपटॉप है तो मैं HP का ही, ये SSD लगे ये ज़रूरी नहीं है। ये एक्चुअली ये सस्ता मिल रहा था, 120GB का SSD है, SATA SSD है, और इसको मैं लगाऊंगा उसमें से हार्ड ड्राइव निकाल करके, उसी हार्ड ड्राइव की जगह पर मैं इसको लगाने वाला हूं, और जो हार्ड ड्राइव है वो इसके DVD राइटर के जगह पर लगा देंगे। DVD राइटर की जगह पर लगाने के लिए ये कैडी लेना पड़ेगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। तो इन दोनों को अनबॉक्सिंग करते हैं और पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा आप लोगों को कि पूरा कंप्लीटली लगेगा कैसे और कैसे मैंने लगाया, और इसी के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम चलाऊंगा और जो हार्ड ड्राइव होगी उसके अंदर वो डाटा रखेगा। तो इस सारा प्रोसेस कंप्लीट मैं दिखाऊंगा, बने रहे लास्ट तक, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। तो आइए पहले हम इसको अनबॉक्स करके देखते हैं, उसके बाद लैपटॉप को ओपन करेंगे। तो ये है HP का हार्ड ड्राइव, आप देख सकते हैं SSD S600 2.5 इंच, जो कि हार्ड ड्राइव का साइज होता है जो लैपटॉप के अंदर लगता है, यानी उसी की जगह पर ये लग जाएगा। 120GB आप यहाँ पर देख सकते हैं, 120GB का ये SSD है। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है, MRP इसकी 3500 है, लेकिन इसको मैंने लिया है 2200 का, और प्राइस कम हुआ था, अमेजोन पर ऑफर था, इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। और कुछ नहीं है, ये है ये स्क्रू इसके अंदर इसको टाइट करने के लिए, और बाकी ये SSD, और इसके अंदर एक गाइड है जिसको हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लिम सा, छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, और बिल्कुल भी वेट इसके अंदर नहीं है। और ये जो है इसको लगाने के लिए ये कैडी हमने मंगाया है, लेकिन मैं इस पर नहीं लगाऊंगा, मैं SSD को डायरेक्ट लगाऊंगा, और इस कैडी के अंदर हम हार्ड ड्राइव को लगा देंगे ताकि उसके अंदर डाटा वगैरह सही से रखा जा सके। और इसके अंदर भी जो है ये स्क्रू मिल जाता है, यानी दो दो स्क्रू हो जाएंगे, एक हम रख देंगे बाकी कभी काम करने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर, अगर हम लगा करके इसको देखें तो बिल्कुल भी जो है ये इस तरीके से रख करके, और इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये बैठ गया है। अब इस तरीके से आप डायरेक्ट जो है इसका DVD ड्राइव निकाल करके और डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन एक कैडी लेते समय आपको ध्यान देना है, इसकी जो मोटाई है वो 9.5 इंच का है, जो कि हमारे लैपटॉप में DVD ड्राइव लगा हुआ है वो 9.5 mm ही मोटा है, किसी किसी में जो पुराने होते हैं उसमें 12.5 mm मोटा होता है। तो इसका आपको ध्यान देना होगा कि इसकी मोटाई कितनी है, या तो आप अपने लैपटॉप का स्पेक्स देख सकते हैं, उस पर सब कुछ लिखा होता है, या फिर जो है आप इसकी मोटाई यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना DVD ड्राइव निकाल करके, तो नियर अबाउट आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर से निकालते हैं, क्योंकि ये हमें इसके अंदर नहीं लगानी है, इसको लगाने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम अभी साइट करते हैं और लैपटॉप ओपन करते हैं, और डायरेक्ट जो है हम पहले SSD को लगाएंगे, फॉर्मेट करेंगे, इसके अंदर विंडो इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट हार्ड ड्राइव को लगाएंगे। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. ये सारे स्क्रू जो है आप एक बार ओपन करके, उसके बाद जो है इसमें कीबोर्ड निकालने की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली ये अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग तरीके से खुलते हैं, अगर आपका जो मॉडल है आपको पता नहीं है तो उसको खोलने के लिए YouTube पर डायरेक्ट खोल लीजिए, आपको उसकी गाइड मिल जाएगी कि खुलेगा कैसे, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से आप कीबोर्ड निकाल लेंगे पूरा, इसके एक्चुअली कीबोर्ड में भी प्रॉब्लम है, कीबोर्ड अभी मिल नहीं पा रहा है, कीबोर्ड को बदलना है, पहले इसको खोल लेते हैं फिर साफ कर लिया जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं खुल के आ गया है सामने, ये रही हार्ड ड्राइव।
इसको हम निकालेंगे और इसके जगह पर हम SSD लगा देंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं जब खुल गया है तो। और यहाँ पर क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस फ़ैन को निकाल करके, क्योंकि इसकी जो जाली है ये क्लोज हो जाती है। अभी फ़ैन देख सकते हैं आप बिल्कुल भर गया है, जिसकी वजह से ये हीटअप होने लग जाता है और हीटअप होने के बाद ये काम नहीं करता प्रॉपर तरीके से। तो जब खुल गया है तो हम इसको भी साफ़ कर लेते हैं लगे हाथ इस तरीके से। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो रो होती है ये पूरी भर गई है, जाम हो गया है, जो एयर है वो बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से प्रोसेसर इसका हीट होने लगता है। तो इसको क्लीन करेंगे हम लोग। तो ये पूरा क्लीन हो गया, इसको हम लगा देते हैं दोबारा से जैसे था वैसे। यहाँ से आराम से इसको निकालना होता है, अगर इस टाइप की कहीं पर भी अगर लगी हुई है रिबन तो इसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं लॉक होता है। तो जैसे इसके अंदर आप आराम से इस लॉक को इस तरीके से ऊपर से उठाएंगे तो ये आराम से जो है ये बाहर निकल जाती है। और इस तरफ ये सोल्डिंग की हुई है तो इसी वजह से इसको आराम से इधर करेंगे, इस पर अगर ज़्यादा आप कुछ भी करते हैं तो इसको टूटने का डर होता है, इसलिए हम बिल्कुल आराम से इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल इजी निकल गया। ये हार्ड ड्राइव सही है, इसको हमें यहाँ से ओपन करके और अपनी SSD लगा देनी होगी। बाकी विंडोज़ के लिए हमने पेन ड्राइव में डाला हुआ है विंडोज़ 10, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसको बूट करा दीजिए, डायरेक्ट ले लेना चाहिए, बाकी देखते हैं। इस तरीके से विंडोज़ पे आ गया है, अब डायरेक्ट जो है ये SSD के अंदर ही विंडोज़ इंस्टॉल होगा। अब इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट हो गया ये। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर अभी 91 GB फ्री है, 111 GB मिली थी जिसके अंदर जो है अभी 91 GB फ्री है, जो कि काम करने के लिए बहुत है। अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं तो इन सारी चीज़ों को हटा करके अभी हम देखते हैं कि हमारा ये हार्ड ड्राइव ले रहा है या नहीं, जो हमारा अलग है इसके साथ क्या बिहेव करता है ये वो देख लेते हैं। उसके लिए पहले हम शट डाउन करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया, इसको देखते हैं क्या कंडीशन है। ये आप देख सकते हैं आ गई हमारी तीनों ड्राइव, यानी कि हार्ड ड्राइव भी दिखाने लगा है। इसके अंदर सी था पहले, मैंने अभी अभी इसको फॉर्मेट मारा है, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। बाकी जो है सी हमारा जो है आ गया SSD के अंदर। बाकी ये तीनों ड्राइव जो हैं हमारा हार्ड ड्राइव का दिखा रहा है, एक और ड्राइव खाली हो गया 155 GB का, जिसके अंदर ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा ये कंप्लीट हो गया SSD लग करके और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है पहले से। अब देखते हैं आगे सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करने के बाद कैसा काम करता है। और जनरली जैसे कि मैंने वीडियो भी पहले बना रखा है कि SSD का जो सही मायने में जो बेनिफिट है वो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्टअप देने में उसका भूमिका होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, बाकी जो रनिंग है उसमें कोई खास इसका अंतर नहीं आता है। बाकी देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये।
और इसी तरीके से आप भी मंगा करके, इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मंगा करके अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है तो आप उसमें इसी तरीके से बदल करके और आप बेहतर तरीके से उसका परफॉर्मेंस ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज अब कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।